अगर कोई भूल के गलती से पानी पी ले, खाना वगैरह या कुछ भी खा ले, थोड़ा बहुत उसे याद आ जाए बाद में, तो उसके मुतालिक एक छोटा सा अपना वाक्य सुना दूं। जी जी। बचपन में ना मस्जिद की तैयारी करते थे शबे कदर के लिए, तो 27वीं रमजान आया ना, खत्मे कुरान शरीफ के लिए तो हम तैयारियां कर रहे थे। सख्त गर्मी थी हमारे इलाके में, हजारा डिवीजन का इलाका था दुबदी शरीफ, मस्जिद जामे मस्जिद अकबरिया में तैयारी कर रहे थे, झंडियां लगा रहे थे। मुझे लगी बहुत सख्त प्यास, रोजा था मेरा, तो मस्जिद के कोने में घड़ा पड़ा हुआ था, उसमें कच्चा घड़ा था और उसके ऊपर प्याला रखा हुआ था मिट्टी का। तो मैं नीचे उतरा, जाके आराम से दो प्याले पानी पी लिए और आखिरी घूंट भर रहा था तो मुझे याद है मेरा तो रोज़ा है। मैं खुद ही छोड़ा और एकदम जनाब अली बड़ा परेशान हो गया। मैं परेशान होकर उठा तो हजूर वालिद ग्रामी पैकरे सब्र रज़ा मुजस्सम तबस्सम दादा गंजे तबस्सम सरकार सैयदना बाबा जी पीसे महमूद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप देख रहे थे। फरमाया बेटा क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जान मुझसे रोज़ा टूट गया। फरमाया कैसे? मैंने कहा हजूर मैं मुझे याद ही नहीं रहा, मैं पानी पी बैठा हूँ, दूसरा प्याला पीकर आखिरी घूंट में था तो मुझे याद आया तो मैंने उधर ही छोड़ दिया। फरमाया भूल के पिया या जानबूझ के? मैंने कहा हुज़ूर भूल के पिया। फरमाया याद रखो नबी पाक की हदीस है, जब कोई बंदा भूल कर पेट भर के खाना भी खा ले पी भी ले तो उसे दरअसल अल्लाह खिला रहा होता है और अल्लाह पिला रहा होता है, तो ये रोज़ा टूटता नहीं है उससे।